हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आधार में अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको आधार के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, उसके बाद आधार नंबर और OTP से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा और फिर नीचे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड यानी आपका जो पूरा आधार कार्ड का जो डिटेल होगा वो आपका यहाँ पे शो होगा। नीचे आपको टिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे कीजिएगा उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का जो ऑप्शन खुलेगा। फर्स्ट में आपको क्या करना है, एड्रेस ID प्रूफ के लिए आपको मार्कशीट सेलेक्ट कर लेना है। मार्कशीट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको मार्कशीट अपलोड करना है। इस तरह सेलेक्ट करके जो भी मार्कशीट होगा आपका मैट्रिक का उसको अपलोड कर देना है। फिर नीचे आपका है एड्रेस का, तो नीचे जैसे स्क्रॉल अप कीजिएगा एड्रेस में आपको क्या करना है, फिर से वहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल यानी आपका जो आवासीय होगा वो सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना है। नीचे आपको ओके कर देना है। इस ऑप्शन में जाकर आपको जैसे ओके कीजिएगा कंटिन्यू टू अपलोड कीजिएगा आपका वहाँ पे फोल्डर से जो आपका आवासीय होगा वो दिखेगा, उसको सेलेक्ट करके आप नीचे ओपन कर लीजना है। अपलोड में जैसे इसको टिक कीजिएगा, उसके बाद टिक करने के बाद फिर से नीचे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको ओके करना है। जैसे ओके कीजिए आपका जो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका जो फाइल है या फोल्ड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। फिर से नीचे फाइनल सबमिट करने के बाद जो है इस तरह से ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। और इस तरह से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कि आपका जो रिसीविंग है इस तरह से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।